बागेश्वर धाम महाराज के पास क्या कोई ईश्वरीय ताकत है? वह कैसे लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं? कई लोग यह कह रहे हैं कि अगर उनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति है तो जोशी मठ की दरारें भर दें। इन विवादों पर बाबा चमत्कार की बात को खारिज करते हैं। वहीं देश में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रहस्य लोक पर बहस अभी जारी है। कई एक्सपर्ट अपनी राय इस पर रख रहे हैं। इसी बीच देश की बड़ी मेंटलिस्ट सुहानी शाह की चर्चा शुरू हो गई है। सुहानी भी आपके मन की बात को पढ़ लेती हैं। बाबा की तरह वह कार्ड से पर्चे पर लिख देती हैं। बागेश्वर धाम महाराज की तरह सुहानी शाह भी कई टीवी शो में लाइव यह दिखा चुकी हैं। एक नेशनल टीवी चैनल पर सुहानी ने एंकर के मन की बात को पढ़कर शो में चौंका दिया है। आइए बताते हैं कि सुहानी शाह कौन है। सोशल मीडिया पर सुहानी शाह के मिलियन फॉलोअर हैं। वह माइंड रीडर हैं। कुछ लोग सुहानी को जादूगर भी कहते हैं। वह भारत की इकलौती महिला जादूगर हैं। देश के बड़े कलाकारों को सुहानी चौंका चुकी हैं। वह मूल रूप से राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली हैं। बाद में परिवार गुजरात शिफ्ट कर गया था। सुहानी अलग अलग जगहों पर जाकर जादू दिखाती रहती हैं। वह कई किताब भी लिख चुकी हैं। 32 साल की सुहानी को लोग जादू परी के नाम से भी बुलाते हैं। पिता चंद्रकांता एक फिटनेस ट्रेनर हैं। दरअसल बाबा जब मन की बात पढ़ते हैं तो वह बताते हैं कि यह उनके इष्ट की कृपा है। इसे साफ है कि बाबा इसे धर्म से जोड़ते हैं। बाबा के कथित चमत्कार को विज्ञान की कसौटी पर परखा जा रहा है। चैनलों में डिबेट के दौरान देश की पहली महिला जादूगर सुहानी शाह को बुलाया जा रहा है। सुहानी ने कई चैनलों पर डेमो दिए हैं। सुहानी ने बताया कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह ट्रिक है। सुहानी शाह देश के अलग अलग चैनलों पर दिख रही हैं। बागेश्वर धाम महाराज पर डिबेट के दौरान सुहानी शाह ने एक चैनल पर महिला एंकर को कहा कि आप किसी भी बचपन के दोस्त के बारे में सोचिए। एंकर अपने दोस्त के बारे में सोचने लगी। इस दौरान बोर्ड पर शिवानी उस दोस्त का नाम लिख लिया। सुहानी शाह ने लाइव शो में एंकर के दोस्त का नाम दिखा दिया। अपने बचपन के दोस्त का नाम देकर एंकर हैरान रह गई। वह बताने लगी कि मैं बहुत दिनों से इससे मिली नहीं हूँ, अब हमारा कोई संपर्क भी नहीं है। एंकर पूछती है कि यह क्या कोई चमत्कार है? इस पर सुहानी कहती है कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह कला है। सुहानी ने उस टीवी शो में कहा कि यह एक ट्रिक होती है, इसके लिए एक लंबी स्टडी की जरूरत होती है। सुहानी कहती है आप मन में कुछ भी सोच लो, मैं आपको बता दूंगी। वह चमत्कार की बात को खारिज कर देती हैं। सुहानी को माइंड रीडिंग का शौक बचपन से ही है। उसने इसके लिए शुरुआत में पढ़ाई भी छोड़ दी थी। वह क्लास 1 तक ही स्कूल गई। सुहानी ने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था। सुहानी शाह इंस्टाग्राम पर काफी मशहूर हैं। उन्हें 1 मिलियन से अधिक लोग फॉलो करते हैं। करीना कपूर से लेकर जानवी कपूर तक को वह चौंका चुकी हैं। इसके साथ ही वह कई इंटरव्यू में दिखा चुकी हैं। वह लोगों के मन की बात बता देती हैं।